के निर्देशन में एसआईटी की धड़ाधड़ गिरफ्तारियां। आज एक ही दिन में मर्डर करने वाली गैंग के 7 बदमाश गिरफ्तार हुए। चेचट रावत भाटा इलाके से दूसरा मास्टरमाइंड सावरा भी गिरफ्तार हुआ है। हत्याकांड में अभी तक हो चुकी है कुल 16 गिरफ्तारियां। 4 अप्रैल को रावत भाटा में सैलून की दुकान में घुसकर 22 बदमाशों ने देवा की हत्या की थी और इसके बाद से लगातार धरपकड़ जारी है। गैंग के सदस्यों को पकड़ा जा रहा है और ऐसे में कोटा सिटी एसपी केसर सिंह शेखावत के निर्देशन में ही एसआईटी की ये धड़ाधड़ गिरफ्तारियां हैं। जहां आज ही एक दिन की कार्रवाई की बात करें तो मर्डर करने वाली गैंग के 7 बदमाश गिरफ्तार किए गए। चेचट रावत भाटा इलाके से दूसरा मास्टरमाइंड सावरा भी गिरफ्तार हुआ है। हत्याकांड में अभी तक हो चुके कुल 16 गिरफ्तारियां। 4 अप्रैल को रावत भाटा में सैलून की दुकान में घुसकर 22 बदमाशों ने देवा की हत्या की थी, जिसके बाद से ही लगातार एसआईटी का गठन हुआ और उसके बाद जांच लगातार जारी है, धरपकड़ जारी है, जहां पर सलाखों के पीछे इन आरोपियों को करने की कोशिश है। कोटा संवाददाता भंवर एस चारण हमारे साथ जुड़ गए हैं। भंवर, 16 गिरफ्तारियां अब तक की जा चुकी है, जांच और कार्रवाई कहां तक पहुंची? देखिए श्वेता, 16 गिरफ्तारियों तक ये पूरी जांच और कार्रवाई पहुंच चुकी है। डीजीपी ने कोटा सिटी एसपी केसर सिंह शेखावत के निर्देशन में एएसपी पारस जैन को जांच अधिकारी बनाकर 5 सदस्यीय एसआईटी का गठन किया था इस पूरे मामले में। और रावत भाटा जो कि चित्तौड़गढ़ जिले में पड़ता है, वहां पर एक डॉन देवा गुर्जर के हत्याकांड का ये पूरा मामला है। तो 16 गिरफ्तारियां श्वेता अभी तक एसआईटी कर चुकी है। बड़ा दिन एसआईटी के लिए इस पूरे केस में, क्योंकि आज एक ही दिन में 7 गिरफ्तारियां हुई है, जिनमें जो सेकंड मास्टरमाइंड है सामरा गुर्जर उसकी गिरफ्तारी भी शामिल है। लेकिन इस पूरे मामले में अभी भी 6 नामजद गिरफ्तारियां होनी बाकी है। कुल मिलाकर के 22 बदमाशों की गैंग ने मिलकर के और देवा गुर्जर को सैलून की दुकान में घुसकर मौत के घाट इस पूरे मामले में उतारा था श्वेता। तो फिलहाल एसआईटी के लिए एक बड़ा दिन कह सकते हैं कि 7 और बदमाश जो है वो आज एसआईटी की पकड़ में आए हैं और कोटा ग्रामीण पुलिस की मदद से चेचट और रावत। बिल्कुल भंवर, आप हमारे साथ बने रही है। इस वक्त कोटा सिटी एसपी केसर सिंह शेखावत जी हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। केसर सिंह जी, बेहद अहम कार्रवाई, जहाँ एक ही दिन में 7 लोगों को गिरफ्त में लिया गया है, किस तरह की स्ट्रैटेजी है कि बाकी बचे 6 भी गिरफ्त में सके? मैडम, इसमें हमने टोटल 22 लोग चिन्हित किए थे फुटेज और पूछताछ के आधार पर। जी, इनमें से अब तक 9 लोग पूर्व में गिरफ्तार हो चुके थे। उसके बाद हमारी टीमें निरंतर लगी हुई थी, साइबर टीम भी इनको फॉलो कर रही थी और आज 7 लोग अरेस्ट हुए हैं। अब केवल 6 लोग बचे हैं, मुझे उम्मीद है कि वो भी जल्दी जेल की सलाखों के पीछे होंगे। केसर सिंह जी, क्या मास्टरमाइंड भी गिरफ्त में आ चुका है? मास्टरमाइंड तो पहले ही गिरफ्त में आ चुका है, बाबूलाल, और उसका जो निकट सहयोगी था सांवरा, वो भी आज अरेस्ट हो गया है। तो अब बाकी तो इनके फॉलोवर्स हैं, इनमें से जो मास्टरमाइंड थे वो अरेस्ट हो चुके हैं और पुलिस की जल्दी ही गिरफ्त में होंगे, ऐसी मुझे उम्मीद है। तो बाकी जो बचे 6 हैं, जैसे कि आपने कहा कि फॉलोवर्स हैं, और उनके बारे में भी पूरी जानकारी क्या पुलिस के पास है, कौन कौन लोग हैं ये? इसके पास काफी कुछ जानकारी है, ये भागे हुए हैं, फरार हैं, दर्रा के जंगल में भी कुछ लोगों की लोकेशन है। पुलिस लगातार इनका पीछा कर रही है, हमारी कई टीमें इनकी गिरफ्तारी के प्रयास में लगी हुई। चलिए, जिस तेजी से कार्रवाई की जा रही है आप लोगों के द्वारा, केसर सिंह जी, उम्मीद है कि ये भी जल्द गिरफ्त में होंगे। बहुत शुक्रिया फर्स्ट इंडिया से बातचीत के लिए। तो 7 बदमाश गिरफ्तार हुए इस गैंग के आज ही एक ही दिन में। 9 पहले ही गिरफ्तार हो चुके हैं, जिसमें मास्टरमाइंड भी शामिल है। दूसरा मास्टरमाइंड भी आज गिरफ्त में आ गया और बाकी बचे 6, जिनके बारे में पुलिस के पास पूरी जानकारी है, और कुछ जल्द ही ये भी सलाखों के पीछे होंगे। और इस तरह से जो 22 लोग शामिल थे, 22 बदमाश इस हत्या में देवा गुर्जर के, वो सभी गिरफ्त में होंगे। बड़ी कार्रवाई पुलिस के द्वारा की जा रही है, जिससे एसआईटी ये गिरफ्तारियां कर रही है। केसर सिंह के निर्देशन में ही ये कार्रवाई की गई।